अब हम देख रहे हैं हाउ टू टेक यूजर इनपुट एंड स्टोर्स इट इनटू इनम टाइप रेफरेंस वेरिएबल। मतलब कि अभी हम क्या कर रहे थे, हम कुछ इस तरह से काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन नाम का क्या था, एक इनम था, ठीक है। और इसका अगर हम रेफरेंस वेरिएबल बना रहे थे तो कुछ इस तरह से बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन, इसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम बी रखा और फिर उसके बाद डायरेक्शन जो कि इनम टाइप का नाम है और यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो हमारे पास वो चारों कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर रहे थे, नॉर्थ जो कि इनम कांस्टेंट है वो किसको असाइन करवा रहे थे, डी को असाइन करवा रहे थे। और यहाँ पे इसी तरह उस डी को जब प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, नॉर्थ हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस डी के अंदर जो अभी मैं स्टोर करवा रहा हूँ वो मैं मैनुअली करवा रहा हूँ, मतलब कोडिंग के थ्रू करवा रहा हूँ। अगर मुझे ये काम यूजर से करवाना हो, ठीक है, तो यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं उसके लिए हम एक क्लास यूज करते हैं, स्कैनर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इनपुट, ठीक है। और उसमें यहाँ पे मैं न्यू और यहाँ पे स्कैनर और फिर इसके अंदर सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, सही है। और अब मैं यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ, इसकी पैकेज स्कैनर का। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एड इंपोर्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर चला गया। और अब मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैसेज मैं प्रिंट करवाता हूँ और कहता हूँ इसको एंटर इनम कॉन्स्टेंट, सही है, ऑफ डायरेक्शन, सही है। अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम मैं फॉर एग्जाम्पल रखता हूँ ई, ठीक है, या एस हम इसका नाम रखते हैं। और इसके अंदर अब जो मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था रेफरेंस वेरिएबल, उसको यूज करते हुए इसका स्ट्रिंग के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन, सही है। मतलब मैं इनपुट ले रहा हूँ और स्टोर किस पे करवा रहा हूँ, एस में, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप का है, इनम टाइप का नहीं है, सही है ना। तो इनम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक चेंजिंग करनी है। देखो यहाँ पे डॉट में लगाऊंगा ना, जैसे ही डॉट लगाऊंगा तो इसका एक मेथड है हमारे पास वैल्यू ऑफ, ठीक है, और ये हमसे क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। मतलब जो एस था जो मैं यूजर से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ पे मैंने पास कर दिया, इस वैल्यू ऑफ के फंक्शन में। अब ये वैल्यू ऑफ का फंक्शन करेगा क्या, इस एस को जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, इनम टाइप में, ठीक है, इनम टाइप जो क्लास है उसके अंदर कन्वर्ट करके किसको असाइन कर देगा, इनम टाइप के ही रेफरेंस वेरिएबल जो कि जिसका नाम क्या रखा था हमने डी, ठीक है, वो इसको असाइन कर देगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, यहाँ पे आके मैं रन करता हूं तो देखो हमसे क्या मांग रहा है अभी, एंटर इनम कॉन्स्टेंट ऑफ डायरेक्शन। मैंने क्या बताया था कि हम किस में देते हैं, अपर केस लेटर्स में देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे नॉर्थ देना है तो मैं यहाँ पे नॉर्थ लिखूंगा कैपिटल लेटर्स में, तो यहाँ पे आके अगर एंटर करूंगा तो देखो इसने नीचे नॉर्थ प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इन केस अगर वो कैपिटल लेटर में टाइप नहीं करता, मतलब अगर वो स्मॉल लेटर में टाइप कर देता है, लेकिन हमारे पास तो रिस्ट्रिक्शन है ना कि इनम कॉन्स्टेंट के अंदर जो भी जाएगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर दे दूं अब स्मॉल लेटर्स में, तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो आएगी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन आप पढ़ना है यहाँ पे, ये एक नई एक्सेप्शन है जो हमने पहले कवर नहीं की। क्या नाम है एक्सेप्शन का, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। मतलब आप इलीगल आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, क्योंकि आपको याद होगा हमने टाइप सेफ्टी पढ़ी थी इनम की, इसलिए टाइप सेफ है क्योंकि हम कैपिटल लेटर्स भी दे सकते हैं और वही उसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स देंगे, वैल्यूज देंगे जो हमने या डायरेक्शन के अंदर पास की भी है। अगर स्पेलिंग की भी कुछ मिस्टेक करेंगे या अपर केस लोअर केस की मिस्टेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी जिसका क्या नाम है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। तो अब एक काम करते हैं, हमने एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट क्योंकि पढ़ा हुआ है तो हम इसकी एक्सेप्शन को हैंडल भी कर लेते हैं। तो हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, एक्सेप्शन आ कहाँ रही है सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस लाइन पे आ रही है, तो इस लाइन पे हाँ, क्योंकि वो कन्वर्जन में मसला हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं आता हूं, इसको मैं कहां पे रख दूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और अब इसका बना लूंगा मैं कैच ब्लॉक, ठीक है। अब कैच ब्लॉक के अंदर क्योंकि मुझे पता है किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, तो मैं यहां पे इसको कॉपी करके इसी के थ्रू ये जो एक्सेप्शन क्लास है इसी के मैं रेफरेंस वेरिएबल के अंदर कैच कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पे आके इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं,
ठीक है, और इसी एक्सेप्शन मैसेज को मैं क्या करवा लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ ई। तो क्या हुआ, अब हमने एक्सेप्शन को हैंडल भी कर लिया, ठीक है, ताकि हम, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना भी मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आता हूँ एस आउट और यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इनम कॉन्स्टेंट मस्ट बी इन अपर केस लेटर्स, ठीक है। इससे क्या होगा, यूजर को पता चल जाएगा कि हमने जो भी इनपुट देना है वो किस में देना है, अपर केस लेटर्स में देना है। तो यहाँ पे आके अगर मैं अभी इसको रन करूं, अब यूजर से इनपुट मांगेगा, मैं इसको एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए स्मॉल में दे रहा हूं नॉट, यहाँ पे एंटर किया तो देखो, एक तो वो ई जो कि इसका रेफरेंस वेरिएबल था, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने अपना मैसेज प्रिंट करवाया एंड में, इनम कॉन्स्टेंट मस्ट बी इन अपर केस लेटर्स, जिससे और भी क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि हमने जब यूजर इनपुट देना है तो उसके अंदर जो भी डायरेक्शन है उनको किस में देना है, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, अपर केस में। तो यहाँ पे आके मैं अब रन करूं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे साउथ दू लेकिन कैपिटल में, एंटर करूंगा तो साउथ वो मुझे प्रिंट करवा देगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू एफ का फंक्शन यूज करके जो भी हमने इनपुट लिया है उसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, इनम टाइप के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, मतलब इनम टाइप के वेरिएबल के अंदर मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया और असाइन कर दिया डी के वेरिएबल को, जो कि रेफरेंस वेरिएबल है डायरेक्शन इनम टाइप का, क्लियर है।